उसे क्या हो गया? क्या हो गया इसको? एक मसला हो गया कि हमारी तरपाल जो हमने लगाई थी अब ये जमीन के साथ घसीटी जा रही है। यहाँ से तीन कील निकल चुके हैं। यहाँ से तो ये कपड़ा फट गया, रिंग अभी तक इसमें खड़ा है। ये रहा रिंग खड़ा है, रिंग भी टेढ़ा हो गया है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया सबका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे मेहनत करता हूँ, ठीक होंगे। सेंस कुछ ऐसा कि अभी मैं ऊपर छत पे आया हूँ और आज हमारी तरपाल नीचे लटकी खड़ी है, पता नहीं से क्या हुआ। अच्छा वो गए, कील छूट गया है, तभी नीचे लटक गई। चलो इसका मैं कोई जुगाड़ करता हूँ ताकि ये लटके ना थोड़ा सा ऊपर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। अभी मेरे सर में भी लगेगी। मैंने एक जुगाड़ लगाया ना, मैं यहाँ पे कील लगा के ना यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्योंकि ये लटकी हुई बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। पहले ये वहाँ पे लगी हुई थी, उस कील पे, इस वाले कील पे लगी हुई थी। तो यहाँ से कील ले निकला, कील बिल्कुल सही लगा हुआ है, और वहाँ से ये रस्सी निकल गई है जो कि टाइट बंद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ना ये तरपाल नीचे आई है। चलो अब ये यार गुजारा करा जाएगी। माशाल्लाह से हमारे पट्टे की हाइट चेक करो, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हाइट बना रहा है। ये रहे हमारे तीतर। एक किधर है? यहाँ पे तो एक है, दूसरा उसे क्या हो गया? इसको यार कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, इसको अभी से क्या? परसों तो आया है यार, एक दिन ही हुआ था इन्हें आए हुए को, और अभी से इसे कुछ मर गया यार। ये तो पता नहीं क्या हो गया यार इसको, खाया पिया भी हुआ है, अभी तक पेट में फिर रहा है, पता नहीं क्या वजह बनी है यार। कल तक तो हमारे तीतर बिल्कुल ठीक थे, और आज पता नहीं इस बेचारे को क्या हो गया है। ये मुझे अपने केज में मरा हुआ मिला है, इतना प्यारा। कल ही परसों तो हमारे ये सेटअप पे है, और आज चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, इसमें भी कोई भलाई होगी। चलो कोई बात नहीं, इसे अब दफना देते हैं। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, वो सामने वाले उससे आप पता चल रहा होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। पहले बारिश आती रही है और आप बादल उस साइड को चले गए हैं। पहले यहाँ पे अच्छी खासी बारिश बरसी है, ये छत से आपको पता चल रहा होगा गीली गीली पड़ी है यहाँ पे। और एक मसला हो गया कि हमारी तरपाल जो हमने लगाई थी अब ये ज़मीन के साथ घसीटी जा रही है। यहाँ से तीन कील निकल चुके हैं। यहाँ से तो ये कपड़ा फट गया, रिंग अभी तक इसमें खड़ा है। ये रहा रिंग खड़ा है, रिंग भी टेढ़ा हो गया है, रिंग निकल गया, और ये तरपाल नीचे, वो बाकी दो साइड की रस्सियाँ लगी हुई हैं, और ये तीन की तीन निकल गई हैं, जिसकी वजह से हमारी तरपाल नीचे गिर गई है। और अब इसका पता नहीं क्या होगा, ये अकेले तो मुझसे नहीं हैंडल हो रही, क्योंकि एक साइड से खींचता हूँ तो हवा इतनी तेज़ चल रही है, वो मुझे साथ में खींच के ले जाती है। ओ भाई मारो मुझे। पता नहीं अभी इस तिरपाल का क्या होगा यार, सुबह ही देखेंगे, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है करवाने वाला, तो अभी मैं अकेला कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे हवा साथ ही खींच के ले जाती है। और अभी दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है, बादल आ गए हैं दोबारा से, और अभी बारिश दोबारा से हो रही है, कुछ कतरे आ रहे हैं, तो अभी बारिश भी आ रही है, और इसने और गीला हो जाना है। एक तो ये गीली हुई है और इसका वज़न बढ़ गया है, पहले ये था अच्छा खासा वज़न, उसके बाद जब से गीली हुई है तो इसका ज़्यादा वज़न आया, तो इसकी वजह से ना यहाँ से सारे कील निकले हैं। तीतर एक्सपायर हुए ना, वो इस केज में रहता था, और अब उसकी पार्टनर को मैं नीचे ले गया हूँ बड़े कॉकटेल पैरेट के साथ, वो वहाँ पे रह रही है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी और जाली में टकरें खा रही थी। तो जब से मैंने उनके पास छोड़ा है, उनके पास स्टिक पे बैठी है। अभी आपको मैं जब नीचे जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। हमारे बजेज के भी सारे के सारे पेयर लग चुके हैं, और इंशाल्लाह अब ये भी जल्दी ब्रीड करेंगे। वो एक तोती के अंदर घुस के भी बैठी है, शायद आपको नज़र आ रही हो, वो देखो, इंशाल्लाह अब ये सारे के सारे ब्रीड करेंगे। हमारे चूज़ों को ना ठंड लग गई है, क्योंकि आज पूरे दिन बारिश होती रही है, और अब चल रही है ठंडी हवाएं, तो कैसे सुकड़ के खड़े हुए हैं।